नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम वस्तुनिष्ठ हिंदी को आगे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस पुस्तक के जो है 106 प्रश्न कर चुके थे प्रगतिवादी युग के। आइए प्रगतिवादी युग के 107 प्रश्न से आगे करेंगे। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 108 से देखेंगे, क्योंकि इसमें पीछे का एक प्रश्न कटा हुआ है। तो 108, केदारनाथ अग्रवाल किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, किसी से नहीं, बताइए। 108 का आपका 4 सही है, किसी में से नहीं। प्रश्न 109, त्रिलोचन किस सप्तक से संबंधित है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, किसी से नहीं। 109 का आपका 4 सही है, ये भी किसी से संबंधित नहीं है। प्रश्न 10, तार सप्तक में कितने कवि थे? 7, 5, 6, 10। 110 का पहला सही है 7। प्रश्न 111 मिट्टी की बारात किसकी कृति है? नागार्जुन, त्रिलोचन, रांगे राघो, अज्ञेय। 111 का आपका 2 सही है, त्रिलोचन। 112, आइए 112 देखते हैं। प्रश्न 112, रांगे राघो की कृति अजय खडहर की विधा क्या है? काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानी। 112 का 1 सही है, काव्य। 113, घुन खाए सही तीरों पर बाहर खड़े विधाता बाँचे। फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुया नाचे, किसकी काव्य कृत की पंक्तियां हैं? बताइए, कुसुम घर, अपूर्व, मैलांचल, युगधारा। 113 है, 113 का 4 सही है, युगधारा। 114, निम्न में से कौन सा कवि शोक गीत यानी शोक गीत के लिए प्रसिद्ध था? मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, त्रिलोचन। 111 का 4 सही है, 114 था, 114 का आपका 4 सही है, त्रिलोचन। 115, धरती शोक गीत, ये 115, धरती शोक गीत के रचयिता हैं श्रीमंगल सिंह, सुमन, मुक्तिबोध, अज्ञेय, त्रिलोचन। बताइए, 115 का आपका 4 सही है, 115 का आपका 4 सही है, त्रिलोचन। 116 है, सिंदूर तिलकित भाल काव्य कृत के रचयिता हैं दिनकर, उग्र, नागार्जुन, राहुल संस्कृत्यायन। 116 का आपका 3 सही है, नागार्जुन। 117 राह के दीपक किसकी काव्य कृति है? रंगे राघव, जैनेन्द्र, दुष्यंत कुमार, पंत। 117 का आपका पहला सही है, रंगे राघव।
प्रश्न 118, 118 ये लीजिए, प्रश्न 118। निम्न में से किस कवि की मातृभाषा हिंदी नहीं है? रघुपति सहाय, रांगे, राघो, दिनकर, निराला। 118, 118 का दो सही है, रांगे राघो। 119, कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। यह पंक्तियां किस काव्य कृति से ली गई हैं? आइए आगे देखते हैं। कुरुक्षेत्र, धरती, अजय खंडहर, यह दीप अकेला। 119 का आपका पहला सही है, कुरुक्षेत्र। 120, दुख सबको मांझता है, किसकी पंक्ति है? अज्ञे, मुक्तिबोध, यशपाल, प्रेमचंद्र, बताइए। 120, 120 का आपका पहला सही है, अज्ञे। नेक्स्ट 121, प्रश्न 121, पहला तार सप्तक किस नाम से प्रकाशित हुआ? पहला तार सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक, पहला सप्तक। 121, 121 का आपका दूसरा सही है, तार सप्तक। 122, प्रतीक पत्रिका के संपादक थे, दिनकर, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञे। 122, 122 का चार सही है, अज्ञे। 123, तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? मुक्तिबोध, रांगे राघव, अज्ञे, दिनकर। 123, 123 का आपका तीन सही है, अज्ञे। प्रश्न 124, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है यह, धूल में मिला है यह, पंक्तियाँ किसकी हैं? गिरजा कुमार माथुर, अज्ञे, शमशेर बहादुर, त्रिलोचन। 124, 124 का आपका चार सही है, त्रिलोचन। 125, प्रश्न 125, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहा जैसा तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, किसकी पंक्तियां हैं? केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह। 125, 125 का आपका पहला सही है, केदारनाथ अग्रवाल। 126, पंत के साथ रुपाभ पत्रिका का संपादन करने वाले थे, नरेश मेहता, मुक्तिबोध, दिनकर, नरेंद्र शर्मा। 126, 126 का आपका चार सही है, नरेंद्र मेहता। नेक्स्ट 127, 127, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 127, 127 का आपका दो सही है, शमशेर बहादुर सिंह। 128, यह दीप अकेला किसकी कविता है? मुक्तिबोध, जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञे, दिनकर। 128, 128 का आपका तीन सही है, अज्ञे। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं, पहले पंक्ति को देखते हैं। निम्नलिखित कविताओं कृतियों के रचनाकारों का नाम बताइए। 129, अमन का राग किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन,
शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार। 129, 129 का आपका 3 सही है, शमशेर बहादुर सिंह। 130, सलोना जिस्म आओ ना, भगवती चरण वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, दिनकर अंचल, बताइए किसकी रचना है। 130, 130 का 2 सही है, शमशेर बहादुर सिंह। 131, समय देवता, नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। 131, 131 का 1 सही है, नरेश मेहता। प्रश्न 132, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर। 132, 132 का 4 सही है, गिरजा कुमार माथुर। 133, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, पंत, मुक्तिबोध। 133, 133 का 2 सही है, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न 134 देखेंगे आगे। प्रश्न 134, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, मुक्तिबोध। 134, 134 का आपका 4 सही है, मुक्तिबोध। 135, किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है, शाही, दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, त्रिलोचन। 135, 135 का 3 सही है, मुक्तिबोध। 136, मुक्तिबोध की मृत्यु किस वर्ष हुई, 1964, 1970, 1997, 1985। 136, 136 का आपका पहला सही है, 1964। प्रश्न 137, 137, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गीत गाता है, किसकी पंक्तियां हैं, अज्ञे, रघुवीर सहाय, दिनकर, मुक्तिबोध। 137, 137 का 2 सही है, रघुवीर सहाय। 138, रामदास की हत्या किस कविता, किसकी कविता है, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, अज्ञे, धूमिल। 138, 138 का आपका 2 सही है, रघुवीर सहाय। 139, संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है, धूमिल, दिनकर, पंत, निराला। 139, 139 का पहला सही है, धूमिल। 140, कुआनो नदी के रचयिता हैं, शमशेर, अज्ञे, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर। 140, 140 का 4 सही है, सर्वेश्वर। 141, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता के रचयिता हैं, अज्ञे, धूमिल, जैनेन्द्र, राजेंद्र यादव। 141, 141 का आपका 2 सही है, धूमिल। 142, रूपांबरा काव्य संकलन के संपादक हैं, अज्ञे, केदारनाथ सिंह, दिनकर, रेणु। रूपांबरा, बताइए। 142, 142 का आपका पहला सही है, अज्ञे। 143, 143, निम्न में से कौन सा कवि फैटेंसी के लिए प्रसिद्ध है, मुक्तिबोध, जैनेन्द्र, अश्क, अज्ञे। 143, 143 का पहला सही है, मुक्तिबोध।
निम्नलिखित काव्यों के रचयिताओं के नाम बताइए। अब आपके काव्य दिए गए हैं, इसके रचयिता आपको बताने हैं। आइए देखते हैं। 144 गीत फरोश किसका काव्य है? गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, रेणु, कीर्ति चौधरी। 144 144 का आपका दो सही है, भवानी प्रसाद मिश्र। 145 अंधेरे में किसका ग्रंथ है? मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, नागार्जुन, रामविलास शर्मा। 145 145 का एक सही है, मुक्तिबोध। 146 इत्तिलम किसका ग्रंथ है? शिवपूजन सहाय, पंत, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। 146 का आपका तीन सही है, धर्मवीर भारती। प्रश्न 147 नाश और निर्माण किसका ग्रंथ है? सर्वेश्वर का, शमशेर का, कुंवर नारायण का, गिरजा कुमार माथुर। 147 का चार सही है, गिरजा कुमार माथुर। ये लीजिए। नेक्स्ट 148 148 कनुप्रिया किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, शकुंतला माथुर, नरेंद्र शर्मा। 148 का आपका दो सही है, धर्मवीर भारती। 149 सात गीत वर्ष किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, दिनकर, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह। बताइए 149 का आपका पहला सही है, धर्मवीर भारती। 150 विष्णु प्रिया किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद्र, आगे निराला। 150 का पहला सही है, मैथिली शरण गुप्त। आइए आगे देखते हैं। 49 प्रबंध काव्यों के रचयिताओं के नाम बताइए। जय भारत किसका ग्रंथ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा, अज्ञे, मैत्री शरण गुप्त। 151 का चार सही है, मैत्री शरण गुप्त। 152 विक्रमादित्य किसका ग्रंथ है? गुरु भक्त सिंह भक्त, दिनकर, प्रसाद, पंत। 152 का आपका पहला सही है, गुरु भक्त सिंह भक्त। 153 रश्मि रथी किसकी रचना है? निराला, दिनकर, प्रेमचंद्र, अज्ञेय। 153 का आपका दो सही है, दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है? शमशेर, दिनकर, प्रसाद, पंत। 154 का आपका दो सही है, दिनकर। आगे देखेंगे 155 लोकायतन के रचयिता हैं प्रसाद, निराला, सुमित्रनंदन पंत, नरेश मेहता। 155 का आपका तीन सही है, सुमित्रानंद पंत। 156 चिदंबरा के लेखक हैं, रचयिता हैं सोहनलाल मेहतो, वियोगी, अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ मिश्र और नरेंद्र शर्मा। बताइए ये तितंबरा है, त्रितंबरा। बताइए 156 का आपका तीन सही है, केदारनाथ मिश्र। 157 कनुप्रिया, कुंवर नारायण सिंह, धर्मवीर भारती, डॉक्टर विनय निराला। 157 का दो सही है, धर्मवीर भारती। 158 महामानव किसकी रचना है? ठाकुर प्रसाद सिंह, मोहनलाल महतो, वियोगी, प्रसाद, पंत। 158 का पहला सही है, ठाकुर प्रसाद सिंह। 159 द्रौपदी किसकी रचना है? शंभुनाथ सिंह, नरेंद्र शर्मा, अज्ञे, रामविलास शर्मा। 159 का आपका
दो सही है। नरेंद्र शर्मा 160। उत्तर जय राम दरस मिश्र, कुंवर नारायण सिंह, डॉक्टर विनय नरेंद्र शर्मा 160। 160 का आपका चार सही है, नरेंद्र शर्मा। 161 आत्मजयी के लेखक हैं नरेश मेहता, शंभुनाथ सिंह, कुंवर नारायण सिंह। आगे 161, 161 का तीन सही है, कुंवर नारायण। 162 संशय की एक रात किसकी रचना है, आइए आगे देखते हैं। नरेश मेहता की, सियाराम शरणगुप्त, केदारनाथ अग्रवाल। आगे 162, 162 का आपका पहला सही है, नरेश मेहता। 163 एक पुरुष और, नरेश मेहता, डॉक्टर विनय, आगे नरेंद्र। 163, 163 का दो सही है, डॉक्टर विनय। 164 उन्मुक्त किसकी रचना है, धर्मवीर भारती, रामदर्श मिश्र, रेणु, सियाराम शरणगुप्त। 164, 164 का आपका चार सही है, सियाराम शरणगुप्त। 165 आर्यावर्त किसकी रचना है, दिनकर, शाही, मोहनलाल महतो, राही, मासूम रजा। 165, 165 का आपका तीन सही है, मोहनलाल महतो। 166 प्रभात किस कवि का उपनाम है, केदारनाथ मिश्र, केदारनाथ मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, नरेश मेहता, नरेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा, बताइए। 166, 166 का पहला सही है, केदारनाथ मिश्र, प्रभात के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट 167 वियोगी किस कवि का उपनाम है, शंभू नाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, डॉक्टर बीना, मोहनलाल मेहतो। 167, 167 का चार सही है, मोहनलाल मेहतो। निम्नलिखित गीतों के रचयिताओं का नाम बताइए, आइए गीत है कुछ उनके रचयिता बताना है आपको। पहला गीत है 168 इत्तलम किसका गीत है, अग्गे, धूमिल, निराला, पंत। 168, 168 का आपका पहला सही है, अग्गे। 169 समय की शिला पर किसका गीत है, नरेश मेहता, अग्गे, शंभुनाथ सिंह, शमशेर। 169, 169 का आपका तीन सही है, शंभुनाथ सिंह। 170 ठंडा लोहा किसका गीत है, कीर्ति चौधरी, पंत, जैनेन्द्र, धर्मवीर भारती। 170, 170 का चार सही है, धर्मवीर भारती। 171, 171 बावरा अहेरी किसका गीत है, अग्गे, मोहन राकेश, राम सिंह, नागार्जुन। 171, 171 का पहला सही है, अग्गे। 172 बन पाखी सुनो किसका गीत है, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, अंचल। 172, 172 का आपका दो सही है, नरेश मेहता। 173 वैरंग बेनाम चिड़िया किसका गीत है, राम दरस मिश्र, राहुल, माखनलाल चतुर्वेदी, उग्र। 173, 173 का आपका पहला सही है, रामदरस मिश्र। नेक्स्ट 174 काठ की घड़ियां शमशेर बहादुर, नरेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा, सर्वेश्वर, मोहनलाल मेहतो। 174, 174 का आपका तीसरा सही है, सर्वेश्वर। 175
अभी बिल्कुल अभी किसका गीत है? केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर रेणु, केदारनाथ अग्रवाल। 175, 175 का एक सही है, केदारनाथ सिंह। 176, वंशी और मादल किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, अग्गे, केदारनाथ सिंह, ठाकुर प्रताप नारायण सिंह, बताइए। 176, 176 का आपका चार सही है, ठाकुर, 104, ठाकुर प्रसाद सिंह। आइए आगे देखते हैं, प्रश्न 177, मैलांचल का कथा क्षेत्र है अयोध्या, पूर्णिया, बलिया, लखनऊ। 177, 177 का दो सही है, पूर्णिया। 178, मैलांचल उपन्यास के उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद्र, अज्ञेय, राम कुमार वर्मा। 178, 178 का आपका पहला है सही है, फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट 179, मैलांचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक, जासूसी, राजनीतिक, ऐतिहासिक। 179, 179 का पहला सही है, आंचलिक। 180, मैलांचल किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1950, 1954, 1953, 1960। 180, 180 का दूसरा सही है, 1954। 181, मैलांचल रेणु की कौन सी कृति है? दूसरी, पहली, तीसरी, चौथी। 181, 181 का दूसरा सही है, पहली। नेक्स्ट, निम्नलिखित उपन्यासों के उपन्यासकारों का दिए गए विकल्पों में से सही नाम बताइए। अब आपके उपन्यासकार हैं, उपन्यास दिए हैं और उपन्यासकार बताने हैं। जयवर्धन किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र, अस्क, इलाचंद जोशी, यशपाल। 182, 182 का पहला सही है, जैनेन्द्र। 183, शेखर एक जीवनी दो भाग किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। 183, 183 का दो सही है, अज्ञेय। 184, घृणामयी किसका उपन्यास है? केदारनाथ सिंह, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी, आगे। 184, 184 का आपका तीन सही है, इलाचंद जोशी। नेक्स्ट 185, अमिता किसका उपन्यास है? आस्क का, रेणु, नरेंद्र शर्मा, आगे। 185, 185 का चार सही है, आगे। 186, झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल, निराला, मोहन, मेहतो, रेणु। 186, 186 का आपका पहला सही है, यशपाल। 187, जहाज का पंछी किसका उपन्यास है? दिनकर, इलाचंद जोशी, यशपाल, रामदर्श मिश्र। 187, 187 का दो सही है, इलाचंद जोशी। 188, मरु प्रदीप किसका उपन्यास है? रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नरेश शर्मा, नरेंद्र शर्मा, जय सॉरी उभय उदय शंकर भट्ट, वियोगी, बताइए। 188, 188 का आपका पहला सही है, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। 189, टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, निराला, भगवती चरण वर्मा। 189, 189 का आपका चौथा सही है, भगवती चरण वर्मा।
आइए 190 देखते हैं। प्रश्न 190, सुबह नचावत राम गोसाई, सॉरी सबही नचावत राम गोसाई, यह बताइए किसका है। एक सेकेंड, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। हाँ अब सही है। वृंदावन लाल वर्मा, शमशेर, भगवती चरण वर्मा, रेणु। सबही नचावत राम गोसाई किसका उपन्यास है? 190, 190 का 3 सही है, भगवती चरण वर्मा। 191, शहर में घूमता आईना किसका उपन्यास है? आइए आगे देखते हैं। रंगे राघव, उपेंद्रनाथ अस्क, लक्ष्मी नारायण, रामदर्श मिश्र, बताइए। 191, 191 का दूसरा उपेंद्रनाथ अस्क। 192, एकदा नैमी सारणे किसका उपन्यास है? अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 192 बताइए। 192, 192 का पहला सही है, अमृतलाल नागर। मृगनयनी किसकी रचना है? अग्गे वृंदावन लाल वर्मा, भैरव प्रसाद गुप्त, उदय शंकर भट्ट। 193, 193 का 2 सही है, वृंदावन लाल वर्मा। 194, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, चतुर्सेन शास्त्री, देवराज अग्गे। 194, 194 का आपका पहला सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 195, विराट की पद्मिनी किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, केदारनाथ सिंह, बताइए। 195, 195 का आपका दूसरा सही है, वृंदावन लाल वर्मा। आइए 196 देखते हैं। प्रश्न 196, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, अग्गे, रामदर्श मिश्र। 196, 196 का आपका तीसरा सही है, अग्गे। 197, रतिनाथ की चाची किसकी रचना है? रेणु, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन, देवराज। 197, 197 का आपका तीसरा सही है, नागार्जुन। 198, प्रति परिकथा किसकी रचना है? रेणु, ठाकुर प्रसाद सिंह, अग्गे, उदय शंकर भट्ट। 198, 198 का आपका पहला सही है, रेणु। नेक्स्ट 199, 199, सागर, लहरें और मनुष्य किसकी रचना है? नागार्जुन, उदय शंकर भट्ट, राही मासूम रजा, धर्मवीर भारती। 199, 199 का आपका दूसरा सही है, उदय शंकर भट्ट। प्रश्न 200, 200 नंबर का, कब तक पुकारूं किसकी रचना है? देवराज, लक्ष्मी नारायण लाल, अग्गे, रांगे, राघव, बताइए। प्रश्न 200, 200 का आपका 4 सही है, रांगे राघो। प्रश्न 201, सती मैया का चौरा, सती मैया का चौरा किसकी रचना है? अस्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अग्गे, भैरव प्रसाद गुप्त। 201, 201 का 4 सही है, भैरव प्रसाद गुप्त। 202, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, यशपाल, देवराज, रामदर्श मिश्र। 202, 202 का आपका पहला सही है, धर्मवीर भारती। 203, अजय की डायरी किसकी रचना है? डॉक्टर विनय, कुंवर नारायण, देवराज, नरेश मेहता। 203,
203 का आपका 3 सही है देवराज। प्रश्न 204, एक से प्रश्न 204, काले फूल का पौधा किसकी रचना है? शंभुनाथ सिंह, लक्ष्मी नारायण लाल, नरेश मेहता, बी योगी। 204, 204 का आपका 2 सही है लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न 205, आधा गांव किसकी रचना है? राम दरस मिश्र, अग्गे रामविलास शर्मा, राही मसूम रजा, बताइए। 105, 105, 105 का आपका 4 सही है राही मसूम रजा। प्रश्न 106, अलग अलग बैतरणी किसकी रचना है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह रचना किसकी है। 106 का आंसर क्या होगा? अलग अलग बैतरणी। इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन विद्यार्थी सही ढंग से वीडियो को देखते हैं और तैयारी अच्छी चल रही है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अलग अलग बैतरणी किसकी रचना है। ये आज प्रगतिवादी का दूसरा भाग था। इसके बाद कल मैं प्रगतिवादी का तीसरा भाग लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।